नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्या है यार में। और इसी के साथ मैं एक और बहुत बड़ी खास खबर लेके आ चुका हूँ आपके लिए, जो भारत और नेपाल बॉर्डर के ऊपर हम कुछ दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। और हम सुन रहे हैं कि भारत और नेपाल के बॉर्डर अभी तक नहीं खोले गए हैं, और मैंने इस पर कुछ वीडियोज भी डाल दिए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत और नेपाल बॉर्डर्स को अभी खोल दिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने सरकार ने एक नियम और जारी कर दिया, नया नियम, जिसके बावजूद आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उस नियम को सुन के आप हैरान हो जाने वाले हैं। तो क्या है वो नियम, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। वो नियम यह है कि जो आप नेपाल में प्रवेश करोगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन कट हो जाएगा। आप जो इंडिया की सिम थी वो बंद हो जाएगी। अब आपको इंटरनेशनल सिम, मतलब नेपाल की सिम लेनी पड़ेगी, वो सिम अलाइव करनी पड़ेगी। उसके बावजूद ही आपको वहाँ पे इंटरनेट या नेटवर्क प्राप्त हो सकता है। और बॉर्डर पे हम बात करते हैं, तो बॉर्डर को क्रॉस करना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिस नियमों में मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बता दिया है। आईडी प्रूफ होना अति आवश्यक है। आईडी प्रूफ के बिना आप बॉर्डर पार नहीं कर पाओगे। आईडी प्रूफ है तो आप बॉर्डर पार कर पाओगे। तो आईडी प्रूफ आप लेके जाएं, अपना मास्क लेके जाएं, अपनी कोरोना रिपोर्ट लेके जाएं, वह वैक्सीन हुई है तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। वैक्सीन होने के कारण जो बॉर्डर को पार कराते हैं उसमें वैक्सीनेशन मांगते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वैक्सीनेशन होने के कारण, कोई दिक्कत ना आने के कारण आप शांति से बॉर्डर पार कर सकते हो। आप बॉर्डर हवाई यात्रा से कर सकते हो, बस सर्विस से कर सकते हो, और रेल सर्विस भी अब कुछ दिनों में शुरू की जा सकती है। और एक भारत सरकार कुछ और दावा कर रही है कि जो भारत और नेपाल के बॉर्डर हैं उन्हें हम खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और नेपाल है वो भी पूरा प्रयास कर रही है। पर भारत में कोरोना का थर्ड स्टेज आने की संभावना है, और नेपाल ने कोरोना की सेकंड स्टेज को ही ख़त्म कर रहा सेकेंड स्टेज को भी ख़त्म कर दिया है, जिसके कारण नेपाल सरकार बोल रही है कि हम जल्द से जल्द लॉकडाउन खोल देंगे। और लॉकडाउन खोलने के बाद सभी चीज़ों की सुविधाएं शुरू हो जाएगी, बाजार सभी खुल जाएंगे, बस सर्विस, हवाई यात्रा, रेलवे, सभी चीज़ों को हम खोल देंगे। उसके बाद में जो भारत और नेपाल के नागरिक हैं वो आसानी से भारत और नेपाल के बॉर्डर पार कर सकते हैं। तो भारत और नेपाल के बॉर्डर आप पार कर सकते हो, पर किसी गैरकानूनी तरीके से आप बॉर्डर पार करने की कोशिश करेंगे तो वह आपको दंड भी दिया जा सकता है, और आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का कोई कार्य न करें। मेरी राय यही है कि आप बॉर्डर पार कर लें और अपनी आईडी प्रूफ दिखा के बॉर्डर को शांति से पार कर सकते हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और यार 80% लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को जल्द से जल्द, क्योंकि इस पे मिलेगी आपको हर न्यूज़, हर वीडियो जो आपको बेहद पसंद है। तो सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द। तो इसी के साथ बने रहिए आप। जय हिंद, जय नेपाल।